आप सबका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं सरफेस केमिस्ट्री का 12th लेक्चर लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिकली आपको क्या क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर ब्राउनियन मोशन आता है, ब्राउनियन मूवमेंट की बात करेंगे, डिफ्यूजन ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स की बात करेंगे, सेडिमेंटेशन की बात करेंगे, और फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी आती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमारा टिंडल इफेक्ट आता है, और टिंडल इफेक्ट में मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मटेरियल रखा है आपको टिंडल इफेक्ट को प्रैक्टिकली शो करने के लिए। फिर कलर की बात करेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मगर इसको मैं कल के लेक्चर में कम्प्लीट करूंगा, क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा लेक्चर रहेगा और उतना यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले कोलाइडल पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस है कि हिट्रोजीनियस है, तो हमें पता होना चाहिए जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हिट्रोजीनियस होते हैं। हाँ, हमें देखने में क्या लगता है, होमोजीनियस। जैसे कि मैंने यहां पर भी देखे, तो हमें देखने में क्या लग रहा है कि होमोजीनियस सोल्यूशन है। मिल्क की हम बात करें, मिल्क हमें होमोजीनियस लगता है, मगर जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है दे आर टू डिफरेंट फेस एंड दे आर हिट्रोजीनियस इन नेचर। फिर हम बात करते हैं इसके सरफेस टेंशन की, और दूसरी प्रॉपर्टी हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो ये दोनों बातें मैं आपको पहले ही लायोफिलिक और लायोफोबिक में समझा चुका हूं कि लायोफिलिक के अंदर जो लायोफिलिक कोलाइडर सोल होते हैं उनमें सरफेस टेंशन क्या होता है स्टूडेंट, डिक्रीज करता है, और विस्कोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मगर जो लायोफोबिक होते हैं, जैसे गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ठीक है, वो क्या है, उस केस में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, जस्ट लाइक ए डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर स्टूडेंट? और फिर इसमें थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो है फिल्ट्रेबिलिटी। अगर हम फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोलाइडर सोल्यूशन कैन इजिली पास थ्रू द सिंपल फिल्टर पेपर, बट डू नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, पर्चमेंट पेपर, वहां से वो पास नहीं कर सकते। और इसी के ऊपर मैंने आपको डायलिसिस के ऊपर एक पूरा लेक्चर दे रखे, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो कोलाइडर सोल्यूशन जनरली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मगर फिर ये दो कैटेगराइज में आ जाते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो लायोफिलिक आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सेकंड पॉइंट पे है। अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने सॉल्यूशन चैप्टर आप सब पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। दूसरी बात, अगर आपको याद हो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, तो हमने पॉइंट किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। तो अगर हम ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलाइडर सॉल्यूशन की बात करें, तो कोलाइडर सॉल्यूशन में जनरली मोलिकुलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर मोलिकुलर मास ज्यादा है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हमसे कोई पूछे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडर सॉल्यूशन की इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन डिक्रीज करती है। इसीलिए अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और रिलेटिव लेवलिंग इन वेपर प्रेशर, इनकी अगर बात करें, तो इनकी जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट क्या होती है, ट्रू सॉल्यूशन के जैसे ही होती है। इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बट केवल एक ही प्रॉपर्टी है जहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ज्यादा चेंज आता है, वो आता है इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर। कि हम हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, कोलाइडर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस वहां पे हमें साफ नजर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पॉइंट आप याद रखें, कॉम्पिटिशन पॉइंट से आपको हेल्प करेगा बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कोई पूछे व्हाट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडर सॉल्यूशन, तो इसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज आती है स्टूडेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी। पहला आता है ब्राउनिंग मूवमेंट, फिर आता है हमारा डिफ्यूजन, और फिर तीसरा आता है सेडिमेंटेशन। तो हम जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है पेपर पॉइंट से अगर बात करूं, अब तक मैंने जितनी बातें की है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं ब्राउनियन मूवमेंट। आज का जो मेरा वीडियो का मेन मकसद है वो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट, इसको ही डिटेल में स्टडी करने के ऊपर है। और यहीं से सीबीएसई के अंदर या अदर बोर्ड की बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मोशन भी बोल देते हैं,
ब्राउनियन मूवमेंट ही बोल देते हैं। किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब दिया स्टूडेंट? तो आपको याद रखना है 1827 में। क्या रॉबर्ट ब्राउन या ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक तो होता है हमारे पास ये, मान लो ये इतना बड़ा होता नहीं, और हम समझने के लिए मेरे पास सपोज करिए कि डिस्पर्स फेस का कोई पार्टिकल है। डिस्पर्स फेस का मतलब होता है सोल्यूट, और जो डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल है वो इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं अनबैलेंस्ड, और इसकी नेट फोर्स क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो जब अनबैलेंस्ड, आपको कुछ अनबैलेंस फोर्स लगती है किसके ऊपर, डिस्पर्स फेस के मोलिक्यूल्स के ऊपर, ड्यू टू द बोम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स, तो इसकी एक पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है तो ये किसी दूसरे पार्टिकल पे जाके टकराता है, वो दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, और इस तरह ये पार्टिकल जो है डिस्पर्स फेस के, जिसे हम कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं, ये आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट, जिग जैग मोशन शुरू कर देते हैं। और जिग जैग मोशन आप सबको पता ही है, किसी भी तरीके से आप मोशन दिखा सकते हैं, तो दे स्टार्ट रैंडम मोशन। जिग जैग मोशन का मतलब क्या होता है? रैंडम मोशन, जिस मर्जी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते रहेंगे, दे मूव रैंडमली, एंड दिस इज कॉल्ड जिग जैग मोशन। तो जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन। अब इसका फायदा क्या है, यूटिलिटी क्या है, एप्लीकेशन, काज मैंने आपको बता दिया, आप कहेंगे ड्यू टू अनबैलेंस्ड बोम्बार्डमेंट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स ऑन डिस्पर्स फेस पार्टिकल, इसी की वजह से क्या होता है ब्राउनियन मोमेंट। अब ब्राउनियन मोमेंट की अगर हम बात करें किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो ब्राउनियन मोशन है स्टूडेंट वो नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, याद रखना नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, और दूसरा किसके ऊपर स्टूडेंट डिपेंड करता है, ये विस्कोसिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। ये दो बातें आपको याद रखनी है, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज कम है और विस्कोसिटी कम है तो उस केस में ब्राउनियन मोशन क्या होगा स्टूडेंट, ज्यादा होगा। आपको पता है विस्कोसिटी कम है तो मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी का अगर हम उल्टा करें कि अगर कोलाइडर पार्टिकल का साइज बड़ा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वहां पे ब्राउनियन मोशन नहीं हो पाएगा, और इसी की वजह से जब पार्टिकल साइज इंक्रीज कर जाता है तो सस्पेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो सोल्यूट का पार्टिकल साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है डिस्पर्स फेस का, और उसके ऊपर जो अनइक्वल मैं बोम्बार्डमेंट की बात कर रहा हूं, डिफरेंट फोर्सेस की बात कर रहा हूं डिस्पर्शन मीडियम की, वो नहीं लग पाती, और जिसकी वजह से सस्पेंशन जो है डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन, वो ब्राउनियन मोशन शो नहीं करते, और दैट्स व्हाई दे आर सेटल डाउन। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वाई, कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है वाई कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, दो रीजन है, जिसमें पहला रीजन है ब्राउनियन मोमेंट, और कल एक रीजन करेंगे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी हम रीजन करेंगे, मतलब एक रीजन जो बिल्कुल इजी आप कह सकते हैं, आपसे कोई पूछे व्हाई कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, तो आप फटाक से जवाब देंगे सर ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। क्यों? क्योंकि ब्राउनियन मोशन से जो कोलाइडल पार्टिकल है दे आर इन मोशन, ये हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनके ऊपर उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, दे अपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड दे डू नॉट सेटल डाउन ड्यू टू दिस मोशन। अगर ये मोशन नहीं होती तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वजह से क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन होते हैं। एक तो ये इसकी एप्लीकेशन है, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दूसरी बात करें तो सिगमोंडी साइंटिस्ट का नाम है, तो सिगमोंडी साइंटिस्ट ने क्या कहा था, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया स्टूडेंट, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन इन्वेंशन की, और उसका जो प्रिंसिपल है वो भी क्या है, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन इज द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप फॉर्मेशन बाय द सिगमोंडी साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की, यानी कि डिस्कवरी इन्वेंशन किसने की, तो सिगमोंडी ने, किस प्रिंसिपल के बेस पे की, ब्राउनियन मोमेंट के बेस पे की। थर्ड अगर हम बात करें तो हम एवोगैड्रोस नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट, एवोगैड्रोस, तो कहता है एवोगैड्रोस जो नंबर है उसके, यानी जो हम जो नंबर बोलते हैं 6.02×10^23 उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल क्या है, ब्राउनियन। हम इजिली जो कैलकुलेट कर लेते हैं उसके लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउनियन मोशन। तो ये तीन एप्लीकेशन आती हैं ब्राउनियन मोशन की। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट
और आप में कई बच्चे उसका अच्छा फिर बात करते हैं एक मिनट अभी डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई पूछे कोलाइडल पार्टिकल का डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है बेटा, द मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ओस्मोसिस का रिवर्स। तो डिफ्यूजन कोलाइडल पार्टिकल में कहां से होगा, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है सेडिमेंटेशन। तो जनरली सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन हो जाना, जो कोलाइडल पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाए, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। मगर हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, और इफ दे आर सेटल डाउन तो टू मच स्लोली, उनके अगर किसी केस में क्या होता है कोलाइडल पार्टिकल कुछ बढ़ जाते हैं तो वहां पे सेडिमेंटेशन हो जाती है, बट दैट प्रोसेस इज टू मच स्लो, तो सेडिमेंटेशन यहाँ पे ना के बराबर होती है, ठीक है ना। और कहीं पे होती है तो बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है। नेक्स्ट हम बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि लाइट का क्या फर्क पड़ेगा कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, जो हमारा अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करें पेपर पॉइंट व्यू से बेटा, अगर आपको खाली कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्राउनिंग मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट, ध्यान रखना। अब हम टिंडल इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों ने इसका नाम सुना हुआ है, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट की बात अगर हम करें, इसको सबसे पहले तो जो ऑब्जर्व किया था वो फैराडे ने किया था, मगर बाद में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो स्टडी है, वो सब टिंडल साइंटिस्ट का नाम ही है, उसने इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। क्या कहता है टिंडल इफेक्ट, पहले हम अपने घरों के एग्जांपल को समझते हैं। इसको आपने कभी देखा होगा कि जब सुबह के टाइम जब धूप किसी छोटे से रोशनदान में से घर के अंदर आ रही होती है कहीं, तो आपको पूरा एक पाथ नजर आता होगा अगर आपने ध्यान दिया, और उसमें डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और अगर उनको डस्ट पार्टिकल को भी अगर आप बड़े ध्यान से देखो, वो मूव कर रहे हैं रैंडमली जिग-जैग मोशन में। मैं तो वहीं से अपने माइंड में, क्योंकि हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप तो है नहीं कि भाई मुझसे इसको स्टडी करें कि मोशन कैसे हो रही है, तो मैं वैसे ही समझ लेता हूँ डस्ट पार्टिकल देखना आप किस तरह से मोशन करते हैं, तो वो हमारा क्या है, ब्राउनिंग मोशन। और वैसे भी अब यहाँ पे डार्क रूम में अगर ये बिल्कुल डार्क रूम नहीं होता, तो जैसे यहाँ से लाइट निकली इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है, अगर मैं इसको डार्क कर दूं तो मुझे इसका पूरा पाथ क्या होगा अभी नजर आएगा, दैट इज अगेन ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। अभी मैं टिंडल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल आपको समझाता हूँ कैसे। और अगर हम बात करें, हम अपने थिएटर्स में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर ऊपर लगा होता है, तो उसके जगह प्रोजेक्टर की लाइट होती है, केवल इतना सा स्पेस होता है थोड़ा सा ना, और पूरी स्क्रीन के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक बड़ा कोन बन जाता है इस तरह से निकलता हुआ, दैट इज कॉल्ड टिंडल कोन। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टिंडल कोन बोलते हैं, जो फॉर्मेशन होती है, जो स्प्रेडिंग होती है उस टाइप से होती है। क्यों होती है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से टिंडल इफेक्ट होता है। चलो हम इसका एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने एक लेजर लाइट ले रखी है स्टूडेंट, और एक मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, ट्रू सोल्यूशन ले रखा है, और एक मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन ले रखा है। तो पहला एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, दो एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पास रखे हैं टिंडल इफेक्ट के, जिससे कि आप क्लैरिटी हो। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जब मैं इसके ऊपर लाइट को फॉल करूंगा तो क्या होता है, लेट अस सी, दिख रहा है आपको, आप देख रहे होंगे कि यहां से लाइट बिल्कुल आराम से निकल गई, यहाँ पे कोई चीज आपको चेंजेस नजर नहीं आ रहा, मगर जो ये ग्लास है यहाँ पे आपको लाइट बिल्कुल यहाँ पे विजिबलाइज हो रही है, उसका पाथ क्या है आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा इसके अंदर पूरा देखें हम तो कलर क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से यहाँ पे हमें पाथ विजुलाइज नहीं हो रहा है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, मगर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, हमें पाथ विजुलाइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। When we pass a light from the collider solution, the path of collider solution, path of light is shown due to the scattering of light is called Tyndall effect. इसी को हम क्या बोलते हैं, Tyndall effect. एक मैं एक्सपेरिमेंट और आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा। ये मैंने खुद, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, मैंने आपके लिए स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि स्मोक, अगर हम बात करें स्मोक क्या है, स्मोक इज ऑल्सो ए कोलाइडल सोल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। पहले हम स्मोक जनरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्मोक दिखाने के लिए मैंने एक धूप को क्या किया है, जलाया है, तो हमारे पे क्या हो गया, स्मोक जनरेट हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा लाइट का इसके ऊपर क्या, आपके पास तो इस पर स्मोक का दिखाई दे रहा है, मगर जब इस पर लाइट फॉल करती है तो आप देख सकते हैं कितना शानदार विजुअलाइजेशन होती है पूरी। इसको हम थोड़ा सा और करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसके ऊपर स्मोक के ऊपर पड़ रहा है वहां पे आपको उसका बिल्कुल पाथ क्लियर नजर आता होगा।
तो आप अपना यानी इसको देख सकते हैं। वैसे इतना अगर मैं वैसे बात कर रहा हूं तो मुझे लाइट नहीं दिखाई दे रही, मगर जैसे ही स्मोक में जा रहा है तो जहां पे लाइट फॉल कर रही है स्मोक में से, वहां पे हमें पाथ क्या हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है। ध्यान से देखिए, एंड दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, टिंडल इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट, जो आप बड़े आराम से अपने घर पे भी कर सकते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छी तरह। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, टिंडल इफेक्ट की बात की। अब अगली बात हम करते हैं क्या, अच्छा टिंडल इफेक्ट में और हम क्या क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक तो मैंने आपको सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल दे दिया, फिर अपने घरों में जब धूप की लाइट धूप पड़ती है डार्क रूम में, तो वहां पे हमें पाथ दिखाई देता है। और हम अगर हम बात करें तो कोई आपसे कहे भाई स्काई लुक्स ब्लू व्हाई, या फिर हम कहें कि कई बार हम देखते हैं कि तारा टूटता है कॉमेट, तो जब टूटता नीचे आता है तो उसका पाथ पीछे पीछे उसके कैसे लगते हैं पूछ सी बनी हो, उसका हमें पाथ विजुलाइज होता है। दैट इज अगेन ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। सी वाटर लुक्स ब्लू, दैट इज अगेन ड्यू टू द स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के, दो पॉइंट रह गए, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं फिर हम बात करेंगे कलर की। तो टिंडल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टिंडल इफेक्ट में पहला पॉइंट आपको याद रखना है द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेस नॉट सो स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये कंडीशन है केवल वो कोलाइडर पार्टिकल्स ही टिंडल इफेक्ट कोलाइडर सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, जहां पे डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेस नॉट स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी जो हम लाइट फॉल करा रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है और डिस्पर्स फेस का जो डायमीटर है उसका जो डिस्टेंस है, यूनिट्स आपको पता है वेवलेंथ के सेंटीमीटर होते हैं, तो उसके भी जो यूनिट क्या है डिस्टेंस के भी क्या है सेंटीमीटर में, तो वो ऑलमोस्ट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। अगर ये ज्यादा स्मॉलर है तो क्या होगा टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात जो हमें यहां पे समझने वाली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें अगर लायोफिलिक की और लायोफोबिक की, तो जनरली जो लायोफिलिक सोल होते हैं दे शो लेस टिंडल इफेक्ट इन कंपैरिजन टू लायोफोबिक सोल, और कई बुक्स में लिखा होता है कि दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करते। अब हम बात करें कलर की, तो बेटा जो कलर है कलर किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, आप खुद ही सोचिए। कोलाइडर सॉल्यूशंस के ऊपर अगर मैं लाइट को फॉल कर रहा हूं दे शो डिफरेंट डिफरेंट कलर, इट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक तो डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर, और दूसरा किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो कोलाइडर पार्टिकल है उनका साइज क्या है। तो कोलाइडर पार्टिकल का अगर साइज इंक्रीज होता है, कोलाइडर पार्टिकल का अगर साइज इंक्रीज करता है तो कलर ऑफ द कोलाइडर सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास गोल्ड सोल कोलाइडर सॉल्यूशन है तो ये जनरली रेड कलर का होता है, मगर अगर इसमें गोल्ड के पार्टिकल का साइज इंक्रीज कर दें तो ये क्या होता है रेड से पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये ब्लू हो जाता है, और थोड़ा साइज अगर पार्टिकल इंक्रीज होता है इट बिकम्स गोल्डन। तो कलर के अंदर जो चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन साइज ऑफ द कोलाइडर पार्टिकल। तो आज का जो मेरा लेक्चर है स्टूडेंट वो कलर तक है, कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।